चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सब लोग जुड़ जाइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? ठीक है। गुड इवनिंग सुषमा जी, गुड इवनिंग किरण। सो पहले तो सब लोग एक बार जुड़ जाइए ताकि हम शुरू कर सकें जो भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम अप्लाइड और एनालिसिस के क्वेश्चंस कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। सो उसमें से आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है कि नहीं, एनालिसिस वर्सेस अप्लाइड। वैसे मैं काफ़ी दिनों से ले रहा हूँ, मनोज सर भी काफ़ी दिनों से ले रहे हैं, आईटी जाम पे भी पढ़ाया है उन्होंने और सीएसआई नेट पे भी। सो आज के इस सेशन में हम लोग मनोज सर आपके साथ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपके सामने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। सो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चंस को। तो पहले तो सबसे पहले आप सब लोग एक बार जुड़ जाइए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ से सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप हम लोग एक सीएसआई नेट के लिए एक बैच शुरू करें मैथमेटिकल साइंस के लिए, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ जाइए जल्दी से। ये बैच जो शुरू हो रही है वो हमारी 25 जुलाई से बैच शुरू हो रही है। तो अगर आपका कोई दोस्त प्रिपेयर करना चाहता है या आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाई वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर दो ifsonline.com या तो फिर हमारे एक नंबर के ऊपर कॉल करके भी आपको एडमिशन दिया जा सकता है 9172-266-888। इस नंबर के ऊपर कॉल करिए। सो सर, इज इट यूजफुल इन डी यू एंट्रांस? बिल्कुल बिल्कुल पायल जी, डी यू में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर अगर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो तो वो तो क्वेश्चंस आपके आराम से होने ही चाहिए। ठीक है, सो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते आज का सेशन। सो ये कुछ आपके सामने क्वेश्चन है पहला। सो देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसी प्रॉब्लम आप जैसे जानते हो कि ऐसा जहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़रूर आपको दिखेगा, उसी प्रॉब्लम, राइट? सो क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट यू ऑफ एक्स वाई बी अ सॉल्यूशन ऑफ द कोशी प्रॉब्लम एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू वन। और फिर इनिशियल कंडीशन दी है यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, देन वट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू एट पॉइंट टू कॉमा वन, दैट इज वट दे आर आस्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले शायद आप लोग शेयर कर दो वीडियो को यार, आज कम लोग है जरा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक फर्स्ट ऑर्डर का कॉसिलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए हम बस एक लाग्रांज मेथड का यूज करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। अब मैं थोड़ा सा, ठीक है यहीं पर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, शायद ये दिखाई नहीं देगा। चलिए, सो व्हाट इज लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन? अगर मैं कोई कॉसिलीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होता है और वहां से दो सॉल्यूशन, डी एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स लिखना होता है, तो दैट इज हियर एक्स, देन डी वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई डेल वाई दैट इज वन एंड इज इक्वल टू डी यू अपॉन राइट हैंड साइड फंक्शन, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वन दिया है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संतोष जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इस लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो सॉल्यूशन हम लोग निकाल देंगे और फिर हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट? सो इट इज सेम, जैसे कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वैसे ही सेम यहाँ पर है।
इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और जनरल सॉल्यूशन में जो हम आर्बिट्ररी फंक्शन ऐड करते हैं उस आर्बिट्ररी फंक्शन को हमें फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरा लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। सो अब इसके मुझे दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब दो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे? सिंपली मैं क्या करता हूँ, पहले इन दो फ्रैक्शंस को कंसिडर कर लेता हूँ। सो अब इन दोनों को कंसिडर करने के बाद हमें सिंपली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो कंसिडर dx अपॉन x, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो dx अपॉन x इक्वल टू dy हो गया। सो सिंपली अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy। सो यहां पर आपको मिला log x और इक्वल टू यहां पर आ गया y सिंपली, और प्लस सम कांस्टेंट c, और मैं c1 बोल देता हूं, ठीक है? सो यानी कि पहला सॉल्यूशन हमें मिल चुका है लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जो कि है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, सो जो कि है log x माइनस y इज इक्वल टू c1, यानी कि एक सॉल्यूशन हमें उस लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का मिल गया। सिमिलरली हमें एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। अब यहां पर देखिए, इसमें से मैं बाकी जो बचे हुए दो है उनको कंसिडर कर लेता हूं, dy अपॉन 1 इक्वल टू du, राइट? यानी कि dy इक्वल टू du कंसिडर कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा देखिए जरा। नाउ कंसिडर व्हाट शुड बी कंसिडर, कंसिडर dy इज इक्वल टू du। अगर dy इक्वल टू du कंसिडर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा देखिए जरा, अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इंटीग्रेशन dy मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन du, और फिर यहां से मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस सम कॉन्स्टेंट c2। सो यहां से मैं लिख सकता हूं y माइनस यू इक्वल टू c2, यानी कि मुझे दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हमें मिल चुके हैं, राइट? अब जो दो सॉल्यूशंस मिले हैं उनकी हेल्प से मैं उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं, राइट? या तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं कोशी प्रॉब्लम, सिंपली अब हमें जो भी दो सॉल्यूशंस मिले हैं, अब ये जो हमें इनिशियल डेटा कर्व दिया है उसको हम उठाकर उन दो सॉल्यूशंस में पुट कर लेते हैं। सो अब इनिशियल डेटा कर्व हमें पास क्या दिया है, नाउ वी पुट इनिशियल डेटा कर्व। क्या है इनिशियल डेटा कर्व? इनिशियल डेटा कर्व यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू क्या दिया है, एक बार बस मैं चेक कर लेता हूं, इनिशियल डेटा कर्व हमारे पास क्या दिया है पिछली स्लाइड। सो इनिशियल डेटा कर्व हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये हमारे पास इनिशियल डेटा कर्व है, बस इसको उठाकर हमें उन दो सॉल्यूशंस में पुट करना है, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि वहां से अच्छा जाएगा हमें। सो अगर मैं एक डेटा कर्व बना दूं, यानी कि यहां पर ये डेटा कर्व क्या दी है कि u ऑफ x कॉमा जीरो, x की जगह x, y की जगह जीरो लिखो तो u की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं x की जगह t लिखूं तो x की जगह t हो गया, y की जगह जीरो है, और फिर u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस टी स्क्वायर। ये हमारे पास गामा कर्व हो गई है कि नहीं? अब इस गामा कर्व को हमें इसमें और इसमें पुट करना है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा यहां से, देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, log ऑफ log x, x की जगह सिंपली t, माइनस y यानी कि जीरो इक्वल टू c1। सो यहां से सिंपली मैं लिख सकता हूं t इक्वल टू e की पावर c1, ठीक है? प्रोसीजर एक बार समझ लीजिए, अगर आपने नहीं यहां से आगे कभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए तो प्रोसीजर एक बार समझ लीजिए कैसे करना होता है। अब यही गामा कर्व हमें इसमें भी पुट करना है, सो ऑल्सो लेट अस कॉल दिस एज 2 एंड लेट अस कॉल दिस एज 1। ऑल्सो फ्रॉम 2 व्हाट वी विल गेट, फ्रॉम 2 व्हाट वी विल हैव, y यानी कि 0 माइनस t square माइनस t square यानी कि ये प्लस हो जाएगा, t square इक्वल टू c2, राइट? तो हमारे पास अब क्या हुआ, इसको नाम दो 3 और इसको नाम दो 4। अब ये जो दो इक्वेशंस है
इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना होता है कि वो जो पैरामीटर टी हमने ऐड किया है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, टी इक्वल टू ई की पावर सी वन है। तो हम क्या करेंगे, ये टी इक्वल टू ई की पावर सी वन इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ पुट टी इक्वल टू ई की पावर सी वन इन इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर में पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर यानी कि क्या बन जाएगा, ई की पावर सी वन और इसका स्क्वायर, राइट, एंड इट इज इक्वल टू सी टू, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए जरा, अब इन दोनों की हेल्प से मुझे क्या करना है, अब सी वन सी टू को एलिमिनेट किया है, सी वन सी टू को एलिमिनेट करने के बाद वापस मुझे रख देना है। सो ई की पावर सी वन की जगह क्या था, सी वन की जगह लॉग एक्स माइनस वाई, राइट। सो देयर फोर पुट सी वन एंड सी टू इन अबाउ इक्वेशन शायद जगह नहीं पूरेगी लेकिन ठीक है, चलो। सो व्हाट वी विल गेट, सो ई की पावर सी वन की जगह लॉग एक्स माइनस वाई और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू सी टू की जगह वाई माइनस यू, राइट। सो लॉग एक्स है ना यहां पर, ठीक है। सो यानी कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, जरा देखिए। सो ई की पावर लॉग एक्स यानी कि एक्स ई की पावर माइनस वाई और यहां पर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस यू। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली कि जो भी वैल्यू वो लोग पूछ रहे उसको बस पुट कर लेते हैं। सो यू की वैल्यू 2.1 पे फाइंड आउट करनी है हमें, राइट। सो देयरफॉर यहां से मैं लिख सकता हूं यू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस और सिंपली एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू वाई, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू की वैल्यू 2.1 पे क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 ई की पावर माइनस टू। सो दिस इज वॉट द वैल्यू ऑफ यू एट पॉइंट 2.1, 1 माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस टू। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, 1 माइनस 4 इंटू ई की पावर माइनस टू। सो दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, राइट। सबको समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इस प्रकार हम कोशी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेथड तो नहीं सीखी है लेकिन एक प्रोसीजर होती है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से हमें कोशी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है, ठीक है। सो चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन था गेट का, अब यहाँ से आगे हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन एक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए मनोज। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाए, क्योंकि वो भी चाह रहे होंगे प्रिपरेशन करना आपके साथ, लेकिन आप अगर उनको बताओगे नहीं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा उनके साथ, ठीक है। एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, चलो इंतज़ार मत कीजिए, फटाफट से एक बार लाइक्स कर दीजिए ताकि हम आगे का क्वेश्चन देख ले। चलो, क्वेश्चन में मजा आया, कोशी प्रॉब्लम है और नेट में इसका क्वेश्चन सर मेरे हिसाब से पक्का होता ही होता है। आप कुछ भी कर लो, कोशी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, सेकंड ऑर्डर क्लासिफिकेशन के ऊपर, कोशी प्रॉब्लम के ऊपर, मतलब कुछ पार्ट से जहां से क्वेश्चन पक्का निकलता है। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन में भी आपको सेम पार्ट दिखने वाला है कि उससे भी क्वेश्चन हमेशा निकलता ही निकलता है। संतोष जी, मतलब सेट साठी न्यू बैच ज्वाइन कराई आहे, ओके ओके, आपको किसने ना बोला है, जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। चलो ठीक है, अगर आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, 9172266888, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, अभी मत करना, लेक्चर के बाद करना, और फिर एमएस सेट की जो भी हमारे रेगुलर बैचेस हैं उस बैच के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इनफैक्ट अगर आपको मतलब डायरेक्टली चाहिए तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifsonline.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेरी गुड इवनिंग भावना जी। चलो तो अभी क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, दिखने में तगड़ा लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फंक्शन क्या दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहां से कहां तक दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन R से R तक दिया है, R से R तक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है। तो
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर इक्वल लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. देन हमें चेक करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है क्या वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है कि नहीं होता. श्वेता जी डिफिकल्ट लग रहा है? अरे एक बार सॉल्व हो जाए फिर आपको बहुत आसान लगेगा, टेंशन मत लो. बताइए मुझे ये जो फंक्शन है क्या ऐसा है, हो सकता है क्या कि आपका फंक्शन आर से आर तक कंटिन्यूअस है, आर से आर तक कंटिन्यूअस है तो फिर वो ऑन टू बन जाएगा. क्या ये संभव है कि कोई भी फंक्शन लो जो आर से आर तक कंटिन्यूअस है वो कॉन्स्टेंट, वो जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं. यू हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन राइट, साइन एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, बहुत सारे फंक्शन है जो आर से आर तक कंटिन्यूअस है. वन वन की बात कर लोगे तो टैन इनवर्स है जो कि आर से आर तक कंटिन्यूअस है, वन वन है बट ऑन टू नहीं है. ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी जो ऑन टू भी नहीं है, जो वन वन भी नहीं है. ओके, न्यू बैच करा चाहिए सर, 4 to 5 स्टूडेंट्स. संतोष जी आपको मैं फिर से एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, वैसे अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए. ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे. और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए, हम आपको मतलब हमारी टीम जो आपकी तरफ कॉन्टैक्ट कर लेगी. ठीक है, चलो तो ये टाइप का जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अब हमें डिस्कस करेंगे डज इट अ फंक्शन, डज दिस फंक्शन ऑन टू और नॉट. एंड बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वन वननेस, ओके, अबाउट इंजेक्टिविटी. तो चलिए देखते अभी थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में जान लेते हैं इस फंक्शन के. सॉल्यूशन में कैसे बोलोगे, हमें पता क्या होता है जब भी हम वन वननेस चेक करते हैं, हम करते क्या है एक्चुअली, दो प्रोसीजर होते हैं. पहली प्रोसीजर क्या होते हैं एज्यूम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड शो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई. इसको एज्यूम कर लो, इसको शो कर लो. और क्या करोगे, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट आप लेते हो, आप दो डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो आपकी इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए, या फिर अगर आपकी इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या बनता है, एक कंटिन्यूअस तो नहीं वन वन फंक्शन बनेगा. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव है. ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी. तो चलिए हम कोई भी एक पार्ट मान लीजिए, दूसरा पार्ट मान लेते पहले तो, कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, If x is not equal to y, what will happen? अगर आपका x equal to y नहीं है तो ये जो वैल्यू है आपकी ये इक्वल टू जीरो कभी हो ही नहीं सकती. दो टर्म्स आपके डिफरेंट है तो मॉड ऑफ x माइनस वाई जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा. ठीक है, सो वॉट इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, एंड दिस इंप्लाइज दैट log of 1 plus mod of x minus y is strictly greater than log 1 and that is equal to 0. मतलब आपकी जो log of 1 plus mod of x minus y की जो value है वो क्या होगी, पक्का positive value होगी. अगर आपका x equal to y नहीं है तो आपका ये जो value है right hand side जो होगा आपका log of 1 plus mod of x minus y, ये पक्का क्या हो जाएगा, पक्का पॉजिटिव हो जाएगा. किसी को इसमें दिक्कत, किसी को भी इस पार्ट में अगर दिक्कत आ गई तो बता दीजिए, बहुत आसान था राइट. और अब हमारे फंक्शन की कंडीशन क्या है कि mod of f of x minus f of y greater equal बन जाता है इससे. सो दिस इंप्लाइज दैट mod of f of x minus f of y इज greater equal log of mod of log of 1 plus mod of x minus y is greater than 0. तो ये क्वांटिटी या तो इसके इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होगी. एंड दिस इंप्लाइज दैट mod of f of x minus f of y is greater than 0. ओके, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 बन जाएगी. और दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन लेके जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है
वो अगर पॉजिटिव बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो टर्म्स इक्वल नहीं होने चाहिए, राइट। सो इट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्लियर हो गया। तो आपका अगर एक्स इक्वल टू वाई नहीं है तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई भी इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर गाइज, किसी को इसमें दिक्कत? सो जो हमने सेकंड कंडीशन ली थी, इनमें से कोई भी एक होगा तो आपका फंक्शन क्या होता है, वन वन, देन एफ इज वन वन। देन एफ इज वन वन फंक्शन, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। यस, किसी को डाउट है इस पार्ट में? तो आपका फंक्शन इंजेक्टिव तो पक्का होगा, तो नॉट इंजेक्टिव ये वाला गलत हो गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात कर ले, गुड इवनिंग ईश्वर, अब बात कर ले आपको जो सर्जेक्टिविटी है उसकी, मतलब जो ऑन्टूनेस है उसके बारे में बात कर ले तो चलेगा। ऑन्टूनेस में क्या पूछा है, ऑन्टूनेस मतलब ये जो फंक्शन दिया है, ये कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या वो फंक्शन ऑन्टू होगा? क्या सिंपल आपकी कंडीशन यही है, आपका जो फंक्शन दिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, कौन सी वाली, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर इक्वल लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये वाली कंडीशन वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं एक सिंपल सी ट्रिक लगा लेता हूं यहां पे, ठीक है ना, आपका फंक्शन जो है, आपका फंक्शन पूरी की पूरी वैल्यू पूरे रियल लाइन पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पूरे रियल लाइन पे, तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल देता हूं y की, क्या वैल्यू, कुछ भी जो आपका मन करे वो डाल दो, मेरे लिए जीरो अच्छा है तो मैं जीरो डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीरो डालने से ही आंसर आएगा, बट हां आप जीरो डालोगे तो थोड़ा सा इजी बन जाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर इफ वाई इक्वल टू जीरो व्हाट वी गेट, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, इसको हम एफ ऑफ जीरो को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू बोल देते हैं, देन एफ ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा, ओके, देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर इक्वल लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज ग्रेटर इक्वल लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स। चलो अब इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक, ये कंडीशन हमारी आ गई कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा जो होगा वो ग्रेटर इक्वल बनेगा लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब पहले तो इस फंक्शन को जान लो क्या है, लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इज इट रियल नंबर, डोमेन आपने पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आपने निगेटिव रियल नंबर ले लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, आपने पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने निगेटिव रियल नंबर ले लिए फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर अगर मैं मेरा एक्स लेके जाऊं इन्फिनिटी को, अगर इसमें मेरा एक्स जो है वो इन्फिनिटी को लेके गया, ठीक है, तो ये क्वांटिटी कहां पे जाएगी, इट ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसमें कौन डाउट चाहेगा, किसको डाउट होगा इसमें, कि अगर आपका एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो कहां पे जाएगा, वो भी जाएगा इन्फिनिटी को, ठीक है। विकास जी आप एक बार ऊपर कांटेक्ट दिया है, कांटेक्ट नंबर एक बार उसको कर लीजिए तो तुरंत ही आपका ओके ओके ओके, डोंट वरी विकास जी, आपने किस बैच में एडमिशन लिया एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, सो दैट कि मैं आपको ऊपर कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया, आपका तुरंत आज ही अकाउंट जो होगा वो एक्टिवेट किया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आराम से सारी चीजें हो जाएगी। चलो तो ये क्वांटिटी जा रही है इन्फिनिटी को, तो ये तो उससे भी बड़ी है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ये तो उससे भी बड़ी हो जाएगी, एग्री, ये क्या बनेगा फिर, उससे भी बड़ी हो जाएगी, और ये अगर उससे बड़ी हो रही है, ये क्वांटिटी अगर उससे बड़ी हो रही है तो फिर ये भी जाएगी इन्फिनिटी को, डन।
मतलब एक साइड से आपको पक्का पता चल रहा है कि आपका जो फंक्शन है एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, तो आपका ये जो क्वांटिटी है संभव है कि वो माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी को जाए, ठीक है ना, ये संभव है। सपोज दो केसेस में ले लेता हूं, पहला तो इफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट इट इंप्लाइज, लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को जा रही है, व्हाट इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाय मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी, बट आपका जो एफ ऑफ अल्फा, आपका जो अल्फा है वो अल्फा मतलब एक फिक्स रियल नंबर है ना, तो आपको एफ ऑफ एक्स को जाना पड़ेगा उधर, जिधर भी जाना है इन्फिनिटी को जाए फिर माइनस इन्फिनिटी को, तो ये किसको इंप्लाई करता है, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं तो यह पक्का जाएगा और एक ही साइड पे जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो f ऑफ x इन्फिनिटी को भी जाए और माइनस इन्फिनिटी को भी जाए, इसका मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, मतलब फंक्शन r में कंटिन्यूअस नहीं है, वो कोई संभव नहीं है, तो फिर आपका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन क्या बनेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी में, वो या तो इन्फिनिटी को जाएगा फिर माइनस इन्फिनिटी। नाउ इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंप्लाइज f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके अगर ये हो जाए तो अब मैं शो क्या करूंगा कि एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो एफ ऑफ एक्स कहां पे जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी को, तभी जाके हमारा फंक्शन ऑन टू बनेगा, क्योंकि जब भी फंक्शन ऑन टू होता है इसका मतलब रेंज क्या होगी, रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एक्स जा रहा है इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी को जाएगा, तो एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाना चाहिए ना, वो अगर बीच में रुक गया या फिर इन्फिनिटी को गया तो फिर आपका पूरा इंटरवल आपका क्या माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आपका रेंज सेट नहीं बनेगा। तो इसलिए आप क्या शो करना चाहिए कि x अगर जाता है माइनस इन्फिनिटी को, इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, x अगर आपका माइनस इन्फिनिटी को जाए तो अगेन वही है, ये क्वांटिटी कहां पर जाएगी, ये क्वांटिटी कहां पर जाएगी, x माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो लॉग ऑफ वन प्लस मॉड x implies log of 1 plus mod x जाएगा, ये जाएगा infinity को, again imply हम करेंगे f of x जा रहा है, sorry mod of f of x minus alpha जा रहा है infinity को, again ये infinity को जा रहा है, ये हमने assume कर लिया था। Now अगर ये infinity को जा रहा है तो ये जा रहा है, but आप इसको graphically जरा देख लीजिए, ठीक है, आपको यह पता है कि x इन्फिनिटी को जाता है तो ये इन्फिनिटी को जाता है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स भी जा रहा है इन्फिनिटी को, फिर से x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा था उस केस में, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी को, इसका एक मतलब क्या निकलेगा पता है, आपका ये फंक्शन इधर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, इस तरीके से आपका ये फंक्शन इधर क्या किसको जाएगा, इन्फिनिटी को, बट पे फिर मैं यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन बना सकता हूं, कॉन्ट्रडिक्शन किसको बनाऊंगा, मैं कॉन्ट्रडिक्शन में बनाऊंगा कि आपका जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है ना, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा सकता हूं, ये मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा सकता हूं, एंड मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, फिर आपका जैसे कि ये टर्म है और ये वाली टर्म ले लीजिए पहले तो लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, अब मैं y इधर लेके चलूंगा x इधर लेके चलूंगा, ठीक है y इधर और x इधर, इसमें क्या हो जाएगा फिर आपका x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी ना वो बड़ी होती जाएगी, एग्री, यहां पे आपका y लेफ्ट साइड, क्योंकि ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r, सो अगर मेरा y इधर जा रहा है x उधर जा रहा है तो मॉड x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी बड़ी होती जा रही है, बट and it tends to infinity as well, okay? x and y ऐसे से खींचते चलोगे तो it tends to infinity, so log of 1 plus mod of x minus y tends to infinity, but अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं ना, दोनों ऊपर जा रहे तो y के इमेज एंड x की इमेज में हमेशा कोई फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, वो कभी इन्फिनिटी को नहीं जाएगी, इज दैट क्लियर, वो कभी इन्फिनिटी को नहीं जाएगी, एंड इस वजह से आपको कॉन्ट्रडिक्शन क्या मिलेगा, ये जा रहा है आपका इन्फिनिटी को लेकिन ये उससे भी बड़ी होकर कुछ फाइनाइट वैल्यू को जा रही है, भले वो फ्लक्चुएट हो जाए बट वो इन्फिनिटी को नहीं जाएगी, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी को जा रहा है बट ये इन्फिनिटी को नहीं जा रहा है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द गिवन कंडीशन, एंड हेंस
वी मस्ट से कि आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, आपका एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी को नहीं जा सकता इस सिचुएशन में। सिमिलरली अगर आपका एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है एंड एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब इस तरीके से ऐसे नीचे जा रहा है, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो एफ ऑफ एक्स को ऊपर ही जाना पड़ेगा। अगर वो नीचे जाए तो फिर से मैं एक्स वाई को बढ़ा दूंगा, लेकिन ये इमेजेस जो होगी दोनों नीचे जा रही है तो वो फाइनाइट वैल्यू अटेंड करती चलेगी, कॉन्ट्रेडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हमें बोलना क्या पड़ेगा, सिंस कॉन्ट्रेडिक्शन टू चीज क्लियर हो गई आपको, तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टेंस टू इन्फिनिटी इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, एंड देयरफॉर एफ इज ऑन टू। सिमिलरली इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, देन इफ x tends to minus infinity implies f of x tends to infinity, again f is onto, okay, so in the both cases your function will be onto function, so it must be a bijective function, okay, okay, because don't worry, आपका आज के end of the day तक आपका अगर आपके सारी procedure complete हो चुकी है तो आज के एंड ऑफ द डे तक आपका कोर्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अभी जब हमारा यूट्यूब लाइव खत्म हो जाएगा तुरंत मैं आपके बारे में बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आई होप आपका जो टॉपिक जो मतलब आपका जो यूजर नेम हो वो यही होगा, अगर आपको यूजर नेम कुछ अलग है तो मुझे एक बार आपका यूजर नेम यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि मैं उनके साथ बात कर सकूं, ठीक है, डोंट वरी, आपका आज ही क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड पॉइंट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, सो ऑन हम यहां पे एक कंडीशन यूज कर रहे हैं कि आपका अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है, जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो f of x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो x माइनस इन्फिनिटी को जाने के बाद f of x को माइनस इन्फिनिटी को ही जाना पड़ेगा। अगर वो भी ऊपर जाए तो मैं एक्स वाई को ऐसे खींचते चलूंगा तो log of 1 plus mod of x minus y इन्फिनिटी को जाएगा, बट f of x minus f of y दोनों इमेजेस है और दोनों ऊपर जा रहे तो उसके बीच में हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी, मतलब फिक्स वैल्यू मतलब फाइनाइट वैल्यू रहेगी, तो आपका राइट हैंड साइड जो था ये वाला पार्ट जो था वो फाइनाइट वैल्यू अटेंड करेगा और ये इन्फिनिटी को जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है क्योंकि इन्फिनिटी बड़ा होता है फाइनाइट वैल्यू से, ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं। ऑन टू में वही मैं रिपीट करता हूं फिर से एक बार, देखो आपका एक्स इन्फिनिटी को गया तो एफ ऑफ एक्स कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी, सपोज ये हमने अज्यूम कर ले, ठीक है, देन फिर से मैं बोलता हूं आप दूसरी केस, ठीक है, ये पहले अज्यूम कर लो, ये अज्यूम करने के बाद हम क्या बोलेंगे, ये अज्यूम करने के बाद हम क्या बोलेंगे, देखो आपका जो ग्राफ है उस ग्राफ में जब x जा रहा है इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी को, इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ होगा। अब सेकंड केस सेम सिचुएशन में अगर मेरा x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को तो एफ ऑफ एक्स कहां पे जा सकता है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स सेम सिचुएशन में इन्फिनिटी को गया, इन्फिनिटी को गया तो दिक्कत कहां पे आएगी, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये कंडीशन जो है पूरे एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं एक्स इन्फिनिटी को लेके चलता हूं एंड वाई जो है वो माइनस इन्फिनिटी को लेके चलता हूं, मतलब वाई इधर चलूंगा एक्स इधर खींचूंगा, तो इसका मतलब क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी ना, क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है मतलब ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, मतलब होल क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब ये कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा, जब x इन्फिनिटी एंड y माइनस इन्फिनिटी को जाएगा ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को जाएगी, बट एट द सेम टाइम दोनों ऊपर जा रहे तो f ऑफ x की जो भी इमेज होगी एंड f ऑफ y की जो भी इमेज होगी वो कुछ फिक्स डिस्टेंस पे होगी ना, वो इन्फिनिटी को कहां पहुंचेगी, वो फिक्स डिस्टेंस पे होगी, तो ये जो क्वांटिटी है राइट साइड की वो आपको क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड की जो होगी वो यू कैन से इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपको कॉन्ट्रेडिक्शन मिल जाएगा, ऑल प्रीमेजेस बिलोंग टू, यस ऑफ कोर्स आपका डोमेन ही तो आ रहे, चलो ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यस उसके पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जरा बताना चाहूंगा, ओके विकास जी सर इसको एक बार नोट कर लीजिए इस नंबर को,
यूजर आईडी को, विकास जी डोंट वरी, अगर आपने मतलब आपकी फीस और आपके सभी प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह वो एकदम क्लियरली हो चुका है सभी चीजें, तो आपका आज ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, वो मेरी गारंटी अब। चलो यस, तो ये आपकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग होने वाली है जो कि आपकी होने वाली है 24th of July को, और इसके सरप्राइज ही होपफुली सभी स्टूडेंट्स को पता होंगे, ठीक है, जो कि स्मार्ट वॉच है, रैंक वन के लिए अलेक्सा होगा, रैंक टू के लिए स्मार्ट वॉच होगा, एंड रैंक थ्री के लिए ईयरबड्स होंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी कर लो, आपको तीनों के तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड आज के जनरेशन में हर कोई चाहता है कि उनको ये तीनों की तीनों चीज़ें उनके पास हो, तो चांसेस है आपके पास कि आप इसमें से एक चीज़ यहाँ पे ले लो। बट ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है ये 24th of July को होगी, और इसका टाइम जो है ना वो फिक्स है 10 AM से 2 PM तक, ठीक है, यही आपका टाइम है, यस। और मतलब आप अगर 2 PM के बाद भी इस पेपर को दे रहे हो तो उसके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, तो आपको टेस्ट जो है वो 10 AM से, क्योंकि 3 घंटे की टेस्ट है तो 10 AM से 11 AM, इस 1 घंटे के अंदर ही आपको टेस्ट स्टार्ट करनी है, तब जाके वो 2 PM को खत्म हो जाएगी। और ये जो टेस्ट है ये लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस, इन सभी डिपार्टमेंट से होने वाले IFS के। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इसमें ज्वाइन करने वाला है, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है, सभी के लिए फ्री है हमारे IFS के ऐप में। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारा IFS का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें रजिस्टर्ड करना है। अगर आप CSRNET मैथमेटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मैथमेटिकल साइंस की टेस्ट दे सकते हो, और वहां पे फिर सब्जेक्ट चूज करते टाइम, सिलेक्ट करते टाइम आपको CSRNET मैथमेटिकल साइंस का सब्जेक्ट चूज कर लेना है। तो 24th में, फिर से बोल देता हूं, 24th of July को ये जो टेस्ट है मॉर्निंग के 10 AM को एक्टिवेट हो जाएगी, आप उसी टाइम पे इस टेस्ट को दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लॉग इन कर सकते हैं 1 घंटे में, मतलब 10 AM से 11 AM तक। संतोष बोल रहे हैं कि सर रजिस्टर्ड, अच्छा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अरे भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको जाके प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे रजिस्टर्ड करना स्टार्ट कर दो। रजिस्टर करते टाइम आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन से, आपका ईमेल आईडी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका नाम है, फुल नेम है, ठीक है, किस कोर्स में आप पढ़ना चाहते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बस ऐसी बेसिक सिलेबस के बारे में आपको, सॉरी आपकी ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो होगी आपको वो पूछी जाएगी, ठीक है। एंड फुल सिलेबस होगा क्या, अरे ऑफकोर्स फुल मॉक टेस्ट होगी आपकी, जो CSRNET मैथमेटिकल साइंस की जो एग्जाम होती है, CSRNET मैथमेटिकल साइंस की, एग्जैक्टली वही टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है। तो एक तो आपको इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट में आपको एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, ठीक है गाइज। तो इस टेस्ट को देना मत भूलना, और साथ ही साथ हमारी CSRNET मैथमेटिकल साइंस की नेक्स्ट जो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच जो है, जो नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रही है, सितंबर वाले नहीं यार, नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रही है, वो बैच स्टार्ट होने जा रही है 25th of July को, जिस बैच की वैलिडिटी है 6 months। इसकी सभी इंफॉर्मेशन हमारे IFS के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.ifsonline.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो कि अभी बेसिक से पढ़े, तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन महेश सर आपके लिए लेके आएंगे, महेश सर एक क्वेश्चन करेंगे, शायद हमारा आज यूट्यूब लाइव 1 घंटे से ज्यादा चलेगा, क्योंकि जो एक क्वेश्चन था जरा लेंदी क्वेश्चन हमें मिला अचानक से, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना लेंदी जाएगा, बट चलो ठीक है, ठीक है। असितु जी मैं एंड ऑफ द लेक्चर को आपको सभी स्टूडेंट्स को एक आइडिया दूंगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। गूगल आप सर्च करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन गूगल उतना तो पता चलता है। देखो आविष्कार एक बता देता हूँ, टीचर होता है तो पता चल जाता है अगर आपने टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है और उस टेस्ट में आपके मार्क्स, आपका मतलब वो चीज़ें हम नहीं बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आपने पेपर कितना जनरली दिया, ठीक है। तो और जेन्युइन रहो खुद के साथ, हमारे साथ तो ठीक है, हमारे साथ रहो ना रहो, खुद के साथ जेन्युइन रहो, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं लेकिन यूज भी करोगे तो शायद उसका फायदा ना हो ज्यादा मिले, ऐसे नहीं मिलेंगे सर। आप देखो, आप कितना भी यूज कर लो उतना ऐसा नहीं कि आप
हमारे जो संडे टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे या फिर हमारे जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे उसको आप आंसर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं भी आपको मिलेंगे, वो संभव ही नहीं है। चलिए एक मिनट बस, सर सिद्धू कहना कि जिन्होंने पहले रजिस्टर कर लिया, अरे भाई उनके लिए तो डायरेक्टली जाके आंसर देना है, क्वेश्चन पेपर अटेंड करने। जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया उनको कोई टेंशन नहीं लेनी, उनको उस दिन जाके क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको रजिस्टर करके जाना पड़ेगा। पीवाईक्यू कैसे होंगे किरण जी, उसमें पीवाईक्यू होंगे तो आप सभी आउट ऑफ मार्क्स नहीं लेके आओगे, बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो आप। चलो सर अभी आप क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत टाइम नहीं, उनके सामने क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। ओके भाई ट्राई कर लो। अगेन जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको भी ट्राई करना है। हाँ ठीक है, देखते हैं आविष्कार जी। वो बोल रहे अलेक्सा मेरी। इतना आसान नहीं उसको पाना। चलिए इसको ट्राई कीजिए, कड़ी मेहनत लगती है। चलिए सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, U is a solution of this first order partial differential equation which is quasi linear type, x times del u by del x plus x square plus y into del u by del y equal to u for all x y belongs to R, satisfying the condition u of 2 comma y equal to y minus 4, y belongs to R hai, then what is the value of u at point 1 comma 2, this is what they are asking. So isko try karna, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन है कि नहीं? इनको होमवर्क मत देने, एग्जांपल आगे वाला मुझे एक और सॉल्व करना है बच्चे से। नहीं 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 नहीं, मैं होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, आप इस मैं आंसर करने वाला हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है कोशी आयलर एलडी, सॉरी ये हमारा कोशी प्रॉब्लम है राइट। शायद मैं एक बार क्वेश्चन पीछे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में, ठीक है चलो यहीं पर थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं। व्हाट इज लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये दिख रहा है हाँ, डी एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, अगेन व्हाट इज दैट, दैट इज एक्स is equal to dy upon coefficient of del u by del y, that is x square plus y, and is equal to du upon right hand side function, that is u, right? So ये हमारे पास differential equation और उसका ये Lagrange auxiliary equation है। अब procedure क्या कहती है कि इस Lagrange auxiliary equation के दो solutions आप लोगों को find out करने हैं, है कि नहीं? अच्छा value is 1, अच्छा ठीक है चलो check करते हैं। अब देखिए जरा इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं ना, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंसिडर कर लेता हूं, पहले दो पार्ट को, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन राइट। सो व्हाट वी विल डू, तो कंसिडर कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई राइट। सो अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं dy अपॉन dx लिखता हूं, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, x square plus y upon x राइट, और फिर यहां से आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, अब x square upon x दैट विल बी x plus y upon x राइट। अब ये आप जानते हो कि ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, कैसे, so I can write dy by dx minus 1 upon x times y is equal to x right, तो ये मेरा linear differential equation बना first order का। so इसका solution निकालने के लिए integrating factor आ जाएगा integration e की power integration of minus 1 upon x into dx, so this is equal to e की power minus log x, और फिर ये minus 1 इसके ऊपर आ जाएगा, so that will be 1 upon x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया 1 बाय एक्स राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स इंटू राइट हैंड साइड फंक्शन दैट इज माई एक्स इंटू डी एक्स राइट सो दिस एक्स एंड दिस एक्स गेट कैंसल्ड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट सी सो मेरे पास पहला जो सोल्यूशन है वाई बाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वन सो ये मिला है फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ द लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन का पहला सोल्यूशन मिला एक और सोल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा हमें है कि नहीं अब देखिए जरा अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको और इसको कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि इन दोनों को कंसिडर करके कोई फायदा नहीं होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं मिलेगा तो सिंपली मैं पहले और तीसरे फ्रैक्शन को कंसिडर करूंगा तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन यू बन जाएगा राइट सो देयरफॉर नाउ कंसिडर डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन यू अब ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग है ना सो यहां से मुझे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू तो यहां से log x यहां से log y log u सॉरी एंड प्लस यहां से log c2 है कि नहीं तो इसको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करोगे तो x अपॉन u इज इक्वल टू c2 ये हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन आ जाएगा लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का है कि नहीं अब देखिए दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं अब कोशी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब जो उन्होंने मेरे पास डेटा कर्व दी है जो भी इनिशियल कंडीशन दी है उसको उठाकर इन दोनों में पुट कर लेते हैं और फिर वहां से हम C1 और C2 में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं है कि नहीं यही प्रोसीजर होती है अब देखिए जरा उन्होंने क्या दिए हैं कंडीशन मेरे पास दी है उन्होंने u ऑफ 2 कॉमा y इक्वल टू y माइनस 4 राइट ये कंडीशन दिए हैं तो उसका यूज कर लेते हैं हम अब मैं इसको जरा पैरामीट्रिक में लिखता हूं सो y की जगह t रख देते हैं सो क्या मिलेगा पैरामीट्रिक कर्व 2 कॉमा t इज इक्वल टू t माइनस 4 राइट यहां पर देखिए सो गामा कर्व नाउ व्हाट इज इनिशियल डेटा कर्व गामा इज अब मैं क्या कर रहा हूं y के लिए t पुट कर रहा हूं तो 2 x की जगह 2 था y की जगह t लिखा तो u की जगह क्या आया u देखिए हमारे पास क्या दिया है u इज y माइनस 4 यानी कि क्या बन जाएगा t माइनस 4 बनेगा राइट सो t माइनस 4 ये बन जाएगा u अब बस ये जो गामा कर्व है ये हम इसमें और इसमें पुट करेंगे वहां से टी को इलिमिनेट करेंगे और सी वन सी टू में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसमें पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा देयरफॉर लेट अस कॉल दिस एज 1 एंड लेट अस कॉल दिस एज 2 पुट गामा इन 1 एंड 2 में गामा कर्व पुट कर लेते हैं क्या मिलेगा इसमें पुट करूंगा वाई की जगह क्या है टी अपॉन 2 माइनस एक्स की जगह 2 इज इक्वल टू सी वन एक रिलेशन मिल गया सिमिलरली यहां पर पुट करेंगे x की जगह 2 u की जगह क्या मिलेगा t माइनस 4 एंड इज इक्वल टू सी टू राइट ये रिलेशन हमारे पास आ गया अब सिंपली मैं यहां से क्या लिख सकता हूं दोस्तों t इज इक्वल टू सी वन प्लस 2 टाइम्स 2 बन जाएगा राइट ये बन जाएगी t की वैल्यू अब ये जो t की वैल्यू आई है मैं इसमें पुट कर लेता हूं तब मुझे C1 और C2 में एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि मेरा क्या कंटेन नहीं करता हो जो कि मेरा कंटेन नहीं करता हो T को राइट तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा देयरफॉर 2 अपॉन T माइनस 4 2 क्या है ये क्या है T क्या है 2 C1 प्लस 4 और ये माइनस 4 एंड इट इज इक्वल टू C2 तो यानी कि 4 से 4 कैंसल्ड आउट 2 से 2 कैंसल्ड आउट 1 अपॉन C1 इक्वल टू C2 मिलेगा राइट सो देयरफॉर 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू C2 यानी कि रिलेशन क्या मिल गया C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 1 ये रिलेशन हमारे पास आ गया राइट अब देखिए ये रिलेशन मिल गया अब क्या करते हैं हम जो भी हमारे पास C1 C2 है वापस इसमें रख देते हैं तो क्या मिलेगा सो y बाई x माइनस x इंटू C2 क्या है x अपॉन u इज इक्वल टू 1 यानी कि u फंक्शन क्या मिल जाएगा u इज इक्वल टू अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस x स्क्वायर आ जाएगा u राइट
सो वाई माइनस एक्स स्क्वायर यू आ गया, तो यू की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करनी है हमें, यू की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करनी है, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1, 2 के ऊपर, राइट। सो यू ऑफ 1, 2 यानी कि एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, सो 2 - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो जिसने भी आंसर बताया था दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो क्या है हर्षिता, आपने एकदम बराबर बताया था। सो ये है हमारा आंसर फॉर दिस कोशी प्रॉब्लम। ये समझ में आया सब लोगों को, कोई दिक्कत है? एकदम आसान था, है कि नहीं, एकदम सिंपल सा था? सर बच्चों के लिए आसान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी तो आसान ही होगा सर, प्रैक्टिस आपने पढ़ाया तो आसान हो ही जाएगा इससे। चलो तो कितने स्टूडेंट्स को आसान था ये एक बार महेश सर को बता दीजिए। मैं तो नेक्स्ट वीक में महेश सर फिर पीढ़ी का कोशी प्रॉब्लम का टॉपिक लेके आएंगे और वो आपको पढ़ा देंगे अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो। नहीं नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जहां पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा सर, ये प्रॉब्लम तो है 100%। मतलब गेट तो... में भी मिलेगा, नेट में भी मिलता है, स्टेट का किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले लो वहां पे भी आपको ये पेपर्स मिलेंगे। मतलब इनफैक्ट सर आई थिंक डीयू और उसमें भी आपको ये क्वेश्चन सर गेट का ही था। अच्छा। तो आपको डीयू में भी मतलब वहां पे भी आपको इसकी सीईटी हो डीयू बहुत सारी जगह पे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और वहां पे कोशी प्रॉब्लम पक्का आता ही आता है। चलिए सो अब यस एक और क्वेश्चन सर मैं कर लेता हूँ। अभी आपका लेक्चर है तो सर को जल्दी थोड़ी, क्योंकि सर का भी लेक्चर है तुरंत, कुछ स्टूडेंट्स है जो सर का वेट कर रहे होंगे उधर बैच में तो। हाँ नहीं, मैं तो नीचे नहीं वेट कर रहा हूँ लेकिन बैच के स्टूडेंट सर का इंतजार कर रहे हैं तो सर मतलब सर सोच रहे होंगे कि आज यहाँ करें या वहाँ करें। नहीं मुझे भागना पड़ेगा। कोई नहीं सर, पहुँच जाएंगे आप आराम से, अभी 5 मिनट बाकी है, ऐसे होता है। चलो चलो सो स्टार्ट कर ले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो सभी स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स, एंड ये जो क्वेश्चन है हमारा, दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, फ्रॉम एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन। अरे बहुत आसान है, एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। एंड ये जो कंडीशन है सेम इसी वीक की लेक्चर सीरीज में हमने इस कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए कि आपको याद है सेम रिजल्ट हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, पिछले यूट्यूब लाइव देखे होंगे तो फिर आपको याद होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है ना। तो पहला है कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशियबल नहीं है, डिफरेंशियबल है बट डेरिवेटिव मे नॉट बी कंटिन्यूअस, एंड द लास्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। चलो बता दो कहा है वो अलेक्सा वाला, कहा है कौन था वो जिसको हाँ आविष्कार बता दीजिए, प्रिपरेशन हो गई आपकी एग्जाम की, अगर प्रिपरेशन हो चुके तो बता दीजिए आविष्कार फटाफट से, क्या आंसर आया आपका, अगर आपके पास नेट होगा तो नेट में सर्च करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑप्शन बी, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बट नॉट नेसेसरी डिफरेंशियल, नो, एफ इज डिफरेंशियबल बट इट्स डेरिवेटिव मे नॉट बी कंटिन्यूअस, नो 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 नो। आविष्कार जी डिफरेंशियबल, ये आगे सी 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 क्या है, ठीक है चलो सॉल्व करते इस एग्जांपल को, स्टार्ट करते इसको सॉल्व करना। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस इक्वल क्या दिया है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ये होता है। एंड वी नो दैट what we know, mod of sin x is less equal mod x, so mod of sin of x minus y ये क्या होगा, less equal mod of x minus y, mod of sin x ही है ना, या फिर sin of, अच्छा mod of sin x ही है,
तो ये जो है वो लेस इक्वल ये बनेगा, एंड देयर फोर व्हाट आई कैन से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके, एंड दैट इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल वाई, इट इज लेस इक्वल अगेन एक्स माइनस वाई, एंड देयर फोर व्हाट आई हैव मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टू द पावर टू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अब मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट है जिसको इसका आंसर पता ना हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या है, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर होता है, इनफैक्ट यू कैन से इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई टू द पावर वन प्लस अल्फा फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा इज पॉजिटिव देन एफ इज कॉन्स्टेंट, देन एफ क्या है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, तो फिर तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन बन गया और ये कॉन्स्टेंट तो बन ही गया, देयर फॉर हियर अल्फा क्या है वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बन गया, व्हाट इट इंप्लाइज, इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, होता है, कॉमा सेकंड एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक है, थर्ड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है, एंड चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन उन्होंने क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन बोलता है कि एफ इज डिफरेंशिएबल बट इट्स डेरिवेटिव मे नॉट बी कंटिन्यूअस, तो फोर्थ क्या बनेगा, एफ डैश इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर, ओके, तो आपके पहले तीनों के तीनों जो ऑप्शन होंगे वो डिस्कार्ड हो जाते, कंटिन्यूअस है बट नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ओके, बट नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, ओके, बट इट्स डेरिवेटिव मे नॉट बी कंटिन्यूअस, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे एंड आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आंसर आता है या फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, इसी को दिक्कत एग्जाम्पल में, और ये नेट में जो एग्जाम्पल पूछे थे डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे कि चलो ये फंक्शन दिए चार इनमें से कौन सा लिमिट एग्जिस्ट है, वो दिन गए, अब वो दिन गए कि आपको उस टाइप का एग्जाम्पल मिले, या फिर आपको एक फंक्शन दिया है वन वन है, नहीं टेल मी द टाइम ऑफ योर क्लास ऑन यूट्यूब, चंदन दास जी हमारा यूट्यूब पे 4 to 5 PM हमारी क्लास होती है डेली एंड अगेन 6 PM to 7 PM अभी के लिए रोहित सर वो लेक्चर सीरीज चल रही है उनकी, ठीक है, चलो तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार याद दिला दूं हमारी जो टेस्ट है वो 24 जुलाई को होने वाली है और ये जो टेस्ट होने वाली है ये मॉर्निंग के 10 AM से 2 PM तक होगी, ऑल्सो आपका जो सिलेबस होगा वो CSR नेट मैथमेटिकल साइंस का सिलेबस होगा, टेस्ट का पैटर्न भी CSR नेट मैथमेटिकल साइंस के पैटर्न के इक्वल ही होगा, क्वेश्चन का लेवल या तो इक्वल होगा या फिर हायर लेवल के होगा, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं CSR नेट से या फिर CSR नेट के लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अब इस टेस्ट को आपको देना कैसे, आपको करना क्या है, हमारा IFS आप एक बार जाके प्ले स्टोर में सर्च करोगे एक बार तो आपको IFS का जो ऐप है वो ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, ओपन करोगे आप तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, लाइक आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपका कहाँ से आप बिलोंग्स करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको खुद का यूजर आईडी चूज कर सकते हो, यूजर आईडी चूज कर लीजिए, कौन सा आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिर वो CSR एट मैथमेटिकल साइंस हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो और सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो उसको कर सकता है,
ठीक है, बट जिस सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका बेसिक ईमेल आईडी आपको आएगा, जो भी आपको मेल वगैरह करना हो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप रैंकर में आ जाते हो तो आपको कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन भी वहाँ पे रहेगा। तो आपको जाके वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी उसको फिलअप कर दीजिए, एंड उसके बाद आपका एक बार फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाए तो यू कैन से वहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपका, हमारा IFS के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे ऐप में अवेलेबल रहेगी, आपको CSRNet के बारे में सारी चीज़ें, CSRNet के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको आप वहाँ पे मिलेंगे, उसकी आंसर कीज आपको वहाँ पे मिलेगी, CSRNet का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलोशिप कितनी होती है, हमारे फैकल्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन सारी की सारी, CSRNet एग्जाम कब होती है, कट ऑफ क्या है, पेपर एनालिसिस क्या है, सिलेबस क्या है, सारी की सारी जो CSRNet के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी के सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप में एक ही जगह पे मिल जाएगी। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, सभी के सभी आंसर कीज भी मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ डेली के हमारे ऐप में आपके लिए 5 कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। सब कुछ फ्री पड़ा है, कुछ नहीं उसमें करना है, सारी की सारी चीज आपको फ्री पड़ी है, बस जाके रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें जाके देख लेना है, ठीक है। तो वो आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा ही है, आप वहां से कॉल कर सकते हो, या फिर 9172266888 ऊपर भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके दिया है, वहां से कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इस तरीके से मंडे को, सॉरी 24th of July को आपको मॉर्निंग के 10 AM को टेस्ट देने के लिए रेडी रहना है। आई होप जो टॉपर निकलेंगे तीन, ये चारों सब्जेक्ट मिला के निकलेंगे, तो तीनों के तीनों टॉपर हमारे मैथमेटिकल साइंस के हो, ऐसा मैं विश करूंगा। एंड मैं ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे एग्जाम देके जीत ले, चीटिंग ना करके जीत ले, क्योंकि मुझे पता है कि चीटिंग अगर होगी तो वो पता भी चलता है, क्योंकि आप पेपर जिस तरीके से दे रहे हो, किस तरीके से आंसर सिलेक्ट कर रहे हो, हर एक ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, वो सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाती है, सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो क्लियरली पता चलेगा कि आपने चीट करके पेपर दिया या फिर जेन्युइनली सॉल्व करके पेपर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल के सेशन में शाम को 4 बजे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम एज वेल, एंड बैच भी स्टार्ट हो रही है 25th of July को, याद रखना। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।